हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। अच्छा फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मार्केटिंग के बारे में। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि मार्केटिंग का हमें पता नहीं चलता, इसमें पढ़ाई लिखाई वाले बंदे का काम है, जो पढ़ा लिखा बंदा हो वो काम कर सकता है। नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं आज भी आपको लाइव प्रूफ दिखाऊँगा। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप जब तक बाय और सेल करने का तरीकाकार नहीं समझेंगे, आप अर्निंग नहीं कर सकते। तो मेरी जो भी वीडियो होती है वो सबको पता है 99% जो है वो रियल वीडियो होती है, यानी कि अर्निंग मेथड से। तो मैं आज आपको फिर एक लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, जो मैंने विड्रॉ लिया आज की डेट में, और जो 7 दिन पहले भी मैंने विड्रॉ लिया यूएसडी का, डॉलर का। तो इसलिए वीडियो यार कंप्लीट देखें ताकि आप लोग भी अर्निंग कर सकें अपने घर में बैठ कर। तो बिल्कुल ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, बस ये आप लोगों को समझने की देर है, तो आप लोग अर्निंग करना स्टार्ट हो जाएंगे। बस कंप्लीट वीडियो देखें और समझें इसको। तो आज जो मेरा मेथड है, मैं काम करता हूँ असल में 3 कॉइन में बस, ठीक है, 3 टोकन में। नंबर 1 GRLC, नंबर 2 GLC, नंबर 3 डोजी। हालांकि देखने को यहाँ पर बहुत से टोकन हैं, मगर मुझे जो अच्छे टोकन लगते हैं वो ये 3 टोकन लगते हैं जिस पे मैं काम करता हूँ। तो आप और भी टोकन पे काम कर सकते हैं, मगर साइट वो वाली यूज़ करनी है जो इंटरेस्टेड साइट हो, जो कि आपको पे आउट करने में या डिपॉजिट करने में तंग ना करे, ठीक है, डिस्टर्ब ना करे साइट कोई भी। तो अच्छी साइट यूज़ करें। तो चलिए मैं आपको आज तरीकाकार बताऊंगा कि कैसे आप बाय और सेल कर सकते हैं। तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, ना तो मैंने आपको कभी बोला है सब्सक्राइब करो, ना ही मैंने बोला है लाइक करो। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आप वीडियो कम्प्लीट दिखें और छोटे मोटे यानी कि लो पैसों से अपने काम करें और अर्निंग करें डेली, ठीक है, और आपको खुद पता चलेगा कि आप अर्निंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देखें पेमेंट हिस्ट्री। पेमेंट हिस्ट्री में आप देख सकते हैं, ये देखें यूएसडी पीएम, जो कि आज की डेट में 17/4/21, और देख सकते हैं कितने यूएसडी हैं, 146। और यहाँ पर नीचे आते हैं जब, तो यहाँ पर इसी मंथ का मेरा एक और आप विड्रॉ देख सकते हैं जैस कैश पर, ये बैक करता हूँ, यहाँ पर ये देखें यूएसडी पीएम 10/4/2021, ठीक है, 110 USD, और जो आज की डेट में थे वो 146 थे। तो ये कैसे अर्निंग कर सकते हैं अब बाय सेल में? बहुत से लोग कहते हैं बाय सेल में अर्निंग कैसे होती है लो पैसों में, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होती है अर्निंग लो प्राइस में। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ जो चीज़ आपने समझनी है, ठीक है, अगर आप समझ पाएंगे तो अर्निंग कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मार्केटिंग में चलते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बस 2 टोकन पे काम करता हूँ, 3 टोकन पे, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं GRLC, GRLC, ठीक है, हमारे सामने शो हो चुका है। अभी इसकी प्राइस जो है अप हुई है 2 घंटे पहले। तो यहाँ पर ये देखें, ये बंदा सेल कर रहा है 25 में, ये बंदा ख़रीद रहा है 24 में। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि ये आप 24 में ख़रीदेंगे या 25 में या 26 में, किस में ख़रीदेंगे तो आपको प्रॉफिट होगी, वो आपको कैसे देखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने देखना है, और कैसे इसको लेकर सेल करना है उसी टाइम, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस बंदे को सेल करना है और किस बंदे से कैसे ख़रीदना है। तो यहाँ पर जो मैंने बाय किए थे, जो ख़रीदे थे, ये देखें अभी भी मैंने लगाए हुए हैं 18 और 19 के हिसाब से। मुझे सुबह पता था कि इसकी प्राइस जो है वो लो है, तो उस वजह से मैंने इसको बाय पे लगा दिया था, यानी कि मैंने ख़रीद लिए थे किस हिसाब से। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर ख़रीदे 18 और 16 और 17 के हिसाब से। तो आज जो मैंने इनका विड्रॉ किया था, कि मैंने कहाँ पर इनको सेल करना था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इनको सेल करना था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने इनको सेल करना था किस प्राइस में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोग कैसे समझेंगे कि बाय और सेल में फ़ायदा है, वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। अब यहाँ पर गौर से प्राइस देखें कि ये बंदा ले रहा है 31 में, ये बंदा दे रहा है 32 में, और यहाँ पर इसकी प्राइस देखें GRLC की, तो कितना डिफरेंट है कि ये बंदा 25 में दे रहा है, ये 24 में ले रहा है। अगर हम यहाँ पर
26 की ट्रेड लगा दें कि हम 26 में लेना चाहेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ये बंदे जो हैं 26 में आपको टोकन दे देंगे। तो मैंने लिए 16-17 के हिसाब से, तो मैंने कैसे कितने लिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पर जो सेल करने के लिए लगाए थे वो लगाए थे 7085 टोकन मैंने सुबह लिए थे, और कितने के लिए और कितने के सेल किए, कितनी प्रॉफिट हुई ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं प्राइस लिखता हूँ, पहले प्राइस दे देता हूँ इसको 18 के हिसाब से, हम 17 के हिसाब से, 16-17 18 के हिसाब से हमने लिए थे, हम 18 के हिसाब से प्राइस दे देते हैं, वो भी मैं ज़्यादा दे देता हूँ प्राइस, कोई बात नहीं आप लोगों को दिखाना है। तो यहाँ पर मैं कॉइन डाल देता हूँ, टोकन जो है वो मैंने लिए 7085, ठीक है। यहाँ पर ये देखें कितनी अमाउंट बन रही है नीचे, इनको हम कन्वर्ट करके चेक करेंगे अभी कि ये कितने के मैंने खरीदे थे। यहाँ पर मैं इनको चेक करता हूँ, तो यहाँ पर नीचे आपके सामने शो हो रहा है 77 USD का, ठीक है। ये मैंने 77 डॉलर के, $77 के यानी मैंने ख़रीदे थे, और फिर मैंने यहाँ पर सेल नहीं करना था इनको, क्योंकि यहाँ से तो मैंने इतने के ख़रीदे थे और मैं सस्ते में सेल नहीं करना चाहता था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ ये कितने टोकन मैंने विदड्रॉ किए थे, क्योंकि आपको ये ना लगे कि ये वाकई इतने टोकन थे जितने मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं GRLC विदड्रॉ 7085 टोकन, ठीक है। डेट देख सकते हैं, ठीक है, 16/4 यानी कि आज की ही डेट थी। तो यहाँ पर हम आते हैं इस साइड में, फिर मैंने यहाँ पर डिपॉज़िट किए, डिपॉज़िट करने के बाद मैंने इनको, ये देखें मेरी ट्रेड जो है, मैंने इनको लगा दिया 30 पे। तो 30 पे जब मैंने इनको सेल करने पे लगाया, तो 31 में भी अभी एक बंदा ले रहा है, मगर मैंने 30 में लगा दिया, क्योंकि मैंने जितने के ख़रीदे थे मुझे 30 में ही ठीक थे सेल करने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंने 30 में सेल किए तो मुझे कितनी प्रॉफिट जो है वो मिली। 77 USD के मैंने लिए थे, यहाँ पर 30 डालते हैं, यहाँ पर 7085 यानी 7085। तो यहाँ पर अब जो सेल हुए वो कितने के सेल हुए ये भी हम लोग देखते हैं। यानी कि 1 घंटे में मेरे सेल हो गए थे। यहाँ पर ये देखें 128, यानी कि हमने लिए 77 के और 128 के हमने सेल किए, और आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी प्रॉफिट जो है हमें इसमें मिली। तो अगर आप डेली की एक ट्रेड भी इस तरह की लगा देते हैं तो माशाल्लाह इंशाल्लाह आपको अच्छी अर्निंग जो है वो मिल जाती है। तो फिर अब यहाँ से हम लोग कैसे ढूंढेंगे कि यार हमें दोबारा उसी एक्सचेंज में जाने के लिए या कोई अच्छा सा टोकन मिल जाए जिससे हमें प्रॉफिट जो है वो दोबारा हो सके। तो उसके लिए भी मैं आपको एक तरीकाकार बता देता हूँ, उसके लिए आपने क्या करना होता है। यहाँ पर जो मेरे टोटल सेल हुए वो देखें कितने के सेल हुए हैं, मैंने पहले भी लगाए हुए थे कुछ टोकन, तो टोटल यानी कि मुझे इतनी प्रॉफिट मिल गई थी। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये देखें डोजी की क्या प्राइस है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया मैं डोजी GLC और GRLC पे ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इन पे, मुझे एक्सपीरियंस है कि इनका कब रेट और कहाँ पर कम हो जाता है और कहाँ पर बाय हो जाता है। यहाँ पर ये देखें ये बंदा दे रहा है 442 में, और ये बंदा 441 में लेना चाह रहा है। अगर हम 442 में लें तो क्या हमें फ़ायदा है हम इस साइट में आ जाएं और फिर दोबारा यहाँ से GRLC ले सकें। तो यहाँ पर मार्केटिंग में चलते हैं, अगर तो फ़ायदा है तो हम अभी इसको ख़रीदेंगे। यहाँ पर डोजी लिखते हैं, डोजी लिखने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं, और ये देखें अब यहाँ पर जो बंदा ले रहा है वो ले रहा है 417 का, जो सेल कर रहा है वो 443 का। और यहाँ पर देखें कितना डिफरेंट है कि जो बंदा ले रहा है सेल कर रहा है वो 442 में, और जो ले रहा है 441 में।
तो आपका दिल करेगा आप 441 का लेके 417 में सेल करें? कभी भी नहीं। इसी वजह से ज़्यादातर लोग जो हैं वो कहते हैं जी हमें लॉस हुआ, हमें पता ही नहीं चलता कैसे ये कैसे काम होता है कैसे नहीं काम होता। और भाई जल्दबाजी करोगे तो ऐसा ही होगा। यहाँ पर वेट करो, कोशिश करो कि यहाँ पर कुछ 10-15 मिनट वेट कर लो। क्या कैसे वेट करना है? सबसे ऊपर वाला जो बंदा ले रहा है 441 में, इसको अभी मिल जाएंगे। जो भी बंदा होगा इसी को उसी टाइम दे देगा। सबको पता है कि रेट कम है सब एक्सचेंज में, इसको भी मिल गए। नीचे बंदा है उसने 71 लगाए हुए हैं, कोई बात नहीं उसको भी मिल गए। नीचे बंदा है उसने 308 लगाए हुए हैं, कोई बात नहीं उसको भी मिल गए। आप कोशिश करें आप सबसे नीचे जाएं 406 पे या 405 पे या 404 पे ट्रेड लगा दें। तो अगर नहीं तो यहाँ पर ये देखें 406 पे एक बंदे ने ट्रेड लगाई हुई है लेने के लिए 25,738, ठीक है? तो इससे ऊपर ट्रेड लगा दें क्योंकि इसको सेल करने ख़रीदने में काफ़ी टाइम लगता है, इससे ऊपर सेल करने में लगा दें। अभी ये देखें सबसे ऊपर इस बंदे ने लगा दिए 449 के, और भी प्राइस बढ़ा दी इसने लेने में। तो अभी चलें यहाँ पर भी इसका रेट देख लेते हैं। मुख्तलिफ साइटों में रेट है, मगर साइट वो यूज़ करें जिसमें फ़ायदा हो। हाँ ये बंदे इसलिए इतने का ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर क्या प्राइस है, यहाँ पर देखें 473 प्राइस है, तो वो ठीक ले रहा है वो बंदा। हमें भी चाहिए था, हम लोग ले लेते। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर ये बाय कर लूँ। अगर मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर बाय सेल पे मैंने लगा दिया। यहाँ पर मैं इसे 150 का लेकर और यहाँ पर 450 का लेकर यहाँ पर 473 का सेल कर सकता हूँ, ठीक है? तो कोशिश करेंगे अभी हम सेल करने की, ताकि कुछ ना कुछ फिर से हमें प्रॉफिट हो जाए, तकरीबन कोई 10 से 20 USD। तो इस तरह से भाई बाय सेल करते हैं। तो वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ वो इस वजह से कि मुझे अभी बाय करने हैं डोजी, क्योंकि उनकी प्राइस वहाँ पर लो है यहाँ पर हाई है। तो मुझे अभी वो बाय करने और सेल करने, तो मैंने बस आपको ये बताना था कि इस तरह से आप बाय और सेल का काम कर सकते हैं।